इस फिल्म की कहानी डालन नाम के एक 12 साल के लड़के के आसपास घूमती है जो बोल नहीं सकता। डालन अभी अभी अपने पिता के साथ नए घर में शिफ्ट होने आया है। जहाँ तक बात की जाए डालन के फैमिली मेंबर की, तो इसकी फैमिली में केवल इसके पिता ही हैं, जो इसकी हर समय केयर किया करते या फिर जॉब से आने के बाद इसे खाना बनाकर खिलाया करते। जहाँ तक बात की जाए डालन के माता की, तो डालन के माँ ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया है। डालन के पिता की शिफ्ट रात में चल रही है और ये रात में ही अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिस वजह से डालन घर में अकेला पड़ा रहता है। एक बार जब डालन अपने घर में इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी इसे एक अलमारी पर नजर पड़ती है। जब डालन इस अलमारी को खोलकर देखता है तो इसमें उसके पुराने मकान मालिक की ढेर सारी तस्वीरें और उसके कुछ सामान होते हैं। आगे डालन को अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से में एक पुराने जमाने की किताब मिलती है जिस पर द बुक ऑफ शैडो लिखा हुआ होता है। इस बुक को देखने के बाद डालन इस बुक को अपने साथ लाता है और इस बुक को पलटना शुरू करता है। यान मौके पर डालन के पिता इसका नाम बुलाते हैं, जिसके बाद डालन इस बुक को वापस से उसी जगह पर रखता हुआ अपने पिता के पास चला जाता है। चूंकि डालन बोल नहीं सकता था, इसीलिए वह इशारों में अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर मैं बोल सकता तो क्या मेरी माँ जिंदा होती। जिस पर इसके पिता बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा अक्सर हम उस चीज के बारे में या तो सोचते हैं या फिर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होता, और इसी वजह से हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं या फिर उस चीज को एंजॉय करना भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद होता है। बेटा तुम उस चीज के बारे में न सोचते हुए उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास अभी मौजूद है। आगे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत के बाद डालन को उसके पिता से पता चलता है कि इस घर का पुराना मालिक यहीं पर रहता था और उसकी मौत इसी घर में हो गई थी, जिस वजह से उसके कुछ पुराने सामान इसी घर में मौजूद है। अब रात ज्यादा होने लगती है और डालन के पिता का शिफ्ट शुरू होने वाला होता है, इसीलिए डालन के पिता इसे खिला पिला कर अपने काम पर निकल पड़ते हैं। पिता के घर से बाहर चले जाने के बाद डालन घर पर अकेला पड़ जाता है कि तभी उसे उस पुराने बुक की याद आती है, जिसके बाद वह बुक के पास पहुंचकर फिर से इसे पलटना शुरू करता है। डालन को इस बुक में द विश ऑफ डिजायर नाम का एक पेज दिखाई पड़ता है, जिसमें जिन को यहाँ पर बुलाने का सारा रिचुअल लिखा हुआ होता है। आगे डायलन इस बुक में लिखे हुए रिचुअल को पढ़ता है और फिर जिन को यहाँ पर बुलाकर अपनी विश पूरा करवाने का सोचता है। आगे डायलन बुक में लिखे हुए रिचुअल को फॉलो करता हुआ एक कैंडल लेता है और फिर अपनी उंगली में पिन चुभोकर अपने कुछ बूंदों को कैंडल पर गिरने देता है, जिसके बाद वह मिरर के सामने जाकर बुक में लिखे हुए मंत्रों को इशारों की भाषा में पढ़ता है, जिसके बाद वह अपनी विश मांगते हुए कहता है कि मेरी विश ये है कि मेरी आवाज वापस आ जाए, यानी मैं बोलने लगूं। डालन के द्वारा ये सारा कुछ करने के बाद भी काफी देर तक कुछ नहीं होता और वह ऐसा सोचने लगता है कि ये बुक नकली या फिर झूठी है। इस बात को सोचने के बाद वह काफी दुखी होता है, पर वह खुद को संभालते हुए बाथरूम में पहुंचता है और नहाना शुरू करता है, जहां हम लोग देख पाते हैं कि डालन के सीने पर कुछ इस तरह के निशान बने हुए हैं। डालन जब नहा रहा होता है कि उसी क्रम में हम लोग रिचुअल वाले कैंडल को देख पाते हैं, जो फड़फड़ाना शुरू हो जाती है और पूरे घर की लाइट अपने आप फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। लाइट के साथ ऐसा कुछ होते देख डालन थोड़ा डर जाता है, पर वह खुद को संभालते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है, जहाँ इसकी नजर इसके कमरे में पड़े हुए टीवी पर पड़ती है जो अपने आप ऑन हो गई होती है। यहाँ पर डालन खुद को संभालते हुए टीवी को ऑफ करता है, जिसके बाद बंद टीवी के शीशे में इसे पीछे से कोई जाती हुई एंटिटी दिखाई पड़ती है। इस एंटिटी को देखकर डालन बहुत ज्यादा डर जाता है और इसे इसके पुराने बीमारी यानी अस्थमा का अटैक आना शुरू हो जाता है। आगे डालन अपने अस्थमा के अटैक को कम करने के लिए यहाँ पर इनहेलर तलाशने लगता है, पर इसे यहाँ पर कोई भी इनहेलर नहीं मिलता, जिसके बाद वह अपने इनहेलर को तलाशते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां इसे एक अजीब तरह का साया दिखाई पड़ता है जो काले रंग का होता है। ये काले रंग का साया कुछ और नहीं फ्रेंड्स, बल्कि वही जिन होता है जिसे रिचुअल करके डालन ने कुछ देर पहले बुलाया था। इस काले साये यानी जिन को देखकर डालन बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़ते हुए बाथरूम में पहुंचता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। चूंकि डालन को पहले से ही अस्थमा का अटैक आया हुआ होता है, इसीलिए बाथरूम में पहुंचने के बाद इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और इसे इनहेलर की जरूरत ज्यादा आन पड़ती है।
पर यहाँ पर वह किसी तरह से खुद को संभालता है। आगे हम लोग जिनको देख पाते हैं, जो डायलन को तलाशता हुआ बाथरूम के बाहर पहुँचता है और इसके गेट को खोलने की कोशिश करता है। जिनके द्वारा ऐसा कुछ करते देख डायलन बाथरूम से भागने की कोशिश करता है, पर वेंटिलेशन वगैरह ऊंचा होने की वजह से डायलन यहाँ से भाग नहीं पाता और यहीं पर पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस काले साए यानी जिनको देख पाते हैं, जो किसी न्यूज़पेपर पर जाकर वहाँ काफी देर तक मंडराता है और फिर इस पर मौजूद एक क्रिमिनल का रूप ले लेता है। अपने नए रूप के साथ जिन वापस से बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डायलन को देख पाते हैं, जो बाथरूम में कुछ खोज रहा होता है ताकि वह किसी भी चीज को मिलने के बाद इस पर वार करके यहाँ से निकल सके। आगे इधर उधर काफी देर तक खोज पड़ताल करने के बाद इसे एक कैंची यानी सीजर दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह इस कैंची को उठाता है और इस जिन के हाथों पर दे मारता है। डायलन के द्वारा जिन पर हमला करने की वजह से जिन को थोड़ा दर्द होने लगता है और वह दरवाजे को खोलना बंद कर देता है। इसी क्रम में हम लोग डायलन को देख पाते हैं, जो यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगता है और बाथरूम के अंदर छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता है। आगे डायलन इस जिन पर हमला करके यहाँ से फरार हो जाता है और उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर इसका इनहेलर रखा हुआ था। आगे वह अपने इनहेलर को लेकर बाहर भागने की कोशिश करता है और शीशे पर हमला करके उसे फोड़ने की कोशिश करता है, पर जितनी बार डायलन इस शीशे पर अटैक करके इसे फोड़ने की कोशिश करता है, पर शीशा अपने आप रिकवर हो जाया करता था। इस चीज को देखकर डायलन समझ जाता है कि जिन उसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। घर में जिन को घूमते हुए देखकर और शीशे में बनी हुई दरार को अपने आप ठीक होते देख डायलन बहुत ज्यादा डर जाता है। गैन मौके पर इसे याद आता है कि कुछ दिन पहले इसके पिता ने जॉब पर जाने से पहले एक नंबर दिया था और कहा था जब भी डायलन को उसके पिता की याद आएगी या फिर कोई जरूरत आन पड़ेगी तब वह अपने पिता को फोन कर लेगा। इस बात की याद आते ही डायलन तुरंत फोन उठाता है और फोन करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग जिन को देख पाते हैं, जो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर डायलन के पुराने मकान मालिक की कुछ तस्वीरें या फिर चीजें पड़ी हुई थी। यहां पहुंचने के बाद जिन इस अलमीरा को खोलता है, जिसके अंदर डायलन के पुराने मकान मालिक की कुछ तस्वीरें पड़ी हुई थी। इस तस्वीर को देखकर जिन इस तस्वीर का रूप ले लेता है और फिर डायलन को खोजने निकल पड़ता है। आगे जिन डायलन को तलाशता हुआ उस जगह के बाहर पहुंचता है जहां पर डायलन मौजूद होता है और जहां से डायलन अपने पिता के पास फोन कर रहा होता है। अपनी तरफ जिन के आने की आहट सुनकर डायलन खुद को संभालता हुआ यहां मौजूद बेड के नीचे छुप जाता है। चूंकि कुछ देर पहले डायलन ने अपने पिता को फोन किया था, इसीलिए फोन के दूसरी तरफ से इसके पिता की आवाज आने लगती है। इसी क्रम में हम लोग जिन को देख पाते हैं, जो इस कमरे में पहुंच जाता है और इस कमरे में डायलन को खोजना शुरू कर देता है। चूंकि इस कमरे में जिन मौजूद होता है, इसीलिए डायलन अपने पिता से बात नहीं कर पाता और फोन को कमरे से बाहर फेंक देता है। जब जिन को डायलन के द्वारा फोन को फेंकने वाली बात पता चलती है तब वह फोन को उठाता है और इसे तोड़ देता है। इसी क्रम में डायलन इस कमरे में मौजूद रेड किल स्प्रे को उठाता है और इस जिन की आंखों में स्प्रे करता हुआ इससे दूर भाग जाता है। रेड किल स्प्रे के आंखों में चले जाने के बाद जिन को दिखना बंद हो जाता है, साथ ही साथ उसके आंखों में भी जलन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर जिन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल फ्रेंड्स, जिन ने इंसान का रूप ले रखा होता है। जैसा आपको पता है कि रेड किल स्प्रे की आंख में चले जाने की वजह से हम इंसानों की आंख में जलन होना शुरू हो जाता है और हमें दिखना भी कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। चूंकि यहाँ पर जिन ने इंसान का रूप ले रखा होता है, इसीलिए इसके साथ ये सारा कुछ हो रहा होता है। खैर, डायलन खुद को संभालते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है, जिसके पैरों की आहट को फॉलो करते हुए जिन भी इसके पीछे पीछे बढ़ रहा होता है। आगे डायलन का पैर एक फोटो फ्रेम पर पड़ जाता है, जिसके बाद हमें शीशे के टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ पर जिन भी मौजूद होता है, जो इस शीशे के टूटने की आवाज को सुन लेता है और डायलन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर डायलन यहाँ पर होशियारी दिखाते हुए दबे पाव यहाँ से भाग जाता है और फिर किचन में पहुँचता है, जहाँ इसकी नजर एक चाकू पर पड़ती है। आगे डायलन इस चाकू को उठाता है और फिर मोमबत्ती लेकर उस अलमीरा में जाकर छुप जाता है जहाँ से इसे पहली बार बुक मिली थी। इस अलमीरा में डायलन को वो पुरानी बुक मिलती है, जिसके बाद वह इस बुक के पन्ने को पढ़ना शुरू कर देता है, जो उसने पिछली बार रिचुअल करते हुए नहीं पढ़ा था।
बुक को पढ़ते समय डैलन को पता चलता है कि विश को पूरा करने की एक कीमत होगी। कभी कभी ये कीमत विश मांगने वाले की आत्मा भी हो सकती है। आगे इस बुक में ही डैलन को पता चलता है कि विश मांगने के बाद एक जिन 2 घंटे के लिए अपीयर होगा और विश मांगने वाले को जिन के प्रेजेंट में 2 घंटे बिताना होगा, और जब रात के 12 बजेंगे तो उस मोमबत्ती को विश मांगने वाले को बुझाना है जो उसने रिचुअल करते समय जलाया था। डैलन मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करता है, पर बार बार ट्राई करने के बाद भी डैलन इस मोमबत्ती को नहीं बुझा पाता, और इस घटना से वह बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि डर के समय हर बच्चे को अपने माता पिता की याद आती है, इसीलिए यहाँ पर डैलन को उसके माता की याद आती है कि कैसे उसकी माँ उसे हर समय केयर किया करती थी, और जब डैलन किसी बात को लेकर डर जाता था तब उसकी माँ उसके पास आती थी और अपना प्यार बिखेर कर इसे शांत किया करती थी। चूंकि डैलन की माँ ने बीते कुछ दिन पहले सुसाइड किया था, इसीलिए यहाँ पर डैलन खुद को संभालता है और फिर अलमीरा से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जाने लगता है कि तभी इसे एक औरत दिखाई पड़ती है जिसने इसके माँ के लिबास को पहन रखा होता है। जब डैलन पास जाकर देखता है तो ये वही जिन होता है जिसने इसके माँ के रूप को ले रखा होता है। यहाँ पर ये जिन डैलन को फिर से डराना शुरू करता है, जिससे डर कर डैलन दौड़ता हुआ अपने बेडरूम में पहुँचता है और वहीं पर खड़ा रहता है कि तभी यहाँ पर इसे फिर से वही जिन दिखाई पड़ता है। डैलन डर कर पीछे हो रहा होता है कि वह मिरर से टकरा जाता है और उससे आवाज हो जाती है। इस आवाज को सुनकर जिन फिर से इसकी तरफ आने लगता है कि तभी डैलन की नजर उसके ही खिलौने पर पड़ती है जो बेड पर पड़ी होती है। डैलन फटाक से इस खिलौने को उठाता है और कमरे से बाहर फेंक देता है। खिलौने के गिरने की आवाज सुनकर जिन खिलौने की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डैलन खुद को जिन से बचाता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचता है और फिर वहां मौजूद फोन से अपने पिता को कॉल करने लगता है। पर डैलन का दुर्भाग्य ये होता है फ्रेंड्स कि इस बार उसका फोन नहीं लगता, जिस वजह से वह परेशान होता हुआ रोने लगता है। इसी क्रम में हमें एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है और हम लोग देख पाते जिन इसके दीवार के पीछे वाले हिस्से में मौजूद है और पीछे से ही डैलन पर हमला करके इसे मारने की कोशिश कर रहा है। अपना कुछ चारा न चलते देख डैलन जिन के हाथों पर अपनी दांत गड़ा देता है और इससे छुड़ाने की कोशिश करता है। चूंकि जिन ने इसे बहुत ही जोर से पकड़ रखा होता है, इसीलिए इस हाथापाई के क्रम में डैलन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और इसके कंधे से खून निकलने लगता है। इस घटना से परेशान होकर डरता हुआ डैलन बाथरूम में फिर से पहुंचता है और वहां जाकर छिपने की कोशिश करता है, पर यहाँ भी इसे तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। इस घटना से परेशान होकर वह बाहर निकलता है और फिर बाथरूम और दूसरे कमरे को कुछ इस तरह से बाहर से बंद कर देता है। डैलन के द्वारा ऐसा कुछ करने की वजह से डैलन काफी देर तक बाथरूम में बंद रहता है और जिन इसके पास नहीं पहुंच पाता। अब 12 बजने वाले होते हैं फ्रेंड्स। चूंकि रिचुअल के अनुसार इसे 12 बजे मोमबत्ती बुझानी थी, इसीलिए फिर से वह बाथरूम से बाहर निकलता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां इसने पिछली बार मोमबत्ती को रखा था। यहां पहुंचने के बाद यह देखता है कि इसके सामने जिन मौजूद है जिसने इसकी माँ का रूप लिया हुआ है। खुद को बचाने के लिए डैलन यहीं पर काफी देर तक छुपा रहता है और जिन के बाहर जाने का वेट करता है। इसी क्रम में काफी देर हो जाती है फ्रेंड्स और 12 बज जाता है, और कुछ इस तरह से डैलन मोमबत्ती यानी कैंडल को नहीं बुझा पाता। आगे हमारी नजर जिन पर पड़ती है जो डैलन के पास आ रही होती है। अपने सामने जिन को आता हुआ देखकर डैलन इसके पैरों पर हमला करके इसे घायल कर देता है और यहाँ से भागने लगता है कि तभी जिन भागते हुए डैलन के पैरों की आहट सुनकर इसका पैर पकड़ लेता है और फिर इसका गला दबाकर इसे मारने की कोशिश करता है। अभी भी डैलन के हाथों में चाकू मौजूद होता है फ्रेंड्स, और वह अपने हाथ में पड़े हुए चाकू से फिर से इस पर अटैक करता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है। डैलन दूसरे कमरे में पहुंचता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। आगे वह दरवाजे के निचले वाले हिस्से से बाहर देखने की कोशिश करता है, जहां इसे जिन का ढेर सारा खून फर्श पर दिखाई पड़ता है। इस चीज को देखकर डैलन ये समझने लगता है कि शायद जिन मर गया है। इस चीज को सोचने के बाद वह कमरे से बाहर निकलता है और मोमबत्ती के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी जिन इसका पैर पकड़ लेता है और इसका पैर पकड़कर इसे मारने की कोशिश करता हुआ इसके पैर को तोड़ देता है।
डैलन जैसे तैसे करके रेंगता हुआ मोमबत्ती के पास पहुंचता है और इसे बुझाने की कोशिश करता है कि तभी इसकी नजर जिन पर पड़ती है जिसने इसकी माँ का रूप लिया हुआ होता है। यहाँ पर जिन माँ की आवाज में कहता है, बेटा मैं दूसरी बार तुम्हारे पास आई हूँ, क्या तुम मुझे इस बार भी मार दोगे। इसी क्रम में हम लोग जिन को पीछे से देख पाते हैं जिसने अपने हाथों में कुछ इस तरह से चाकू को पकड़ रखा है, जिसका सीधा साधा मतलब बस यही होता है कि जिन आगे बढ़कर डैलन को बस मारने वाला है। माँ के आवाज को सुनकर डैलन कुछ क्षण के लिए सोच में तो जरूर पड़ जाता है, पर वह खुद को संभालता है और फिर मोमबत्ती पर एक फूंक दे मारता है, जिस वजह से फिलहाल के लिए जिन यहाँ से गायब हो जाता है। जिन के गायब हो जाने के बाद डैलन पूरे घर में जिन को तलाशता है, पर उसे कहीं भी जिन नहीं मिलता। इस बात को देखकर डैलन काफी खुश होता है और चैन की सांस लेता हुआ सोने चला जाता है। और जब डैलन की आंखें खुलती है तो सुबह हो गई होती है और इसके पिता जॉब से घर पर वापस लौटते हैं। जब डैलन के पिता दरवाजा खोलते हैं तो उसी क्रम में हम लोग डैलन के पिता के पीछे जिन को देख पाते हैं, जो डैलन के पिता को पकड़ लेता है और इनके गर्दन को दबाना शुरू करता है। आगे हम लोग देख पाते हैं कि एक तरफ जिन डैलन के पिता की गर्दन दबा रहा होता है तो दूसरी तरफ डैलन को भी इसका दर्द हो रहा होता है। अगले क्षण हम लोग देख पाते हैं कि जिन डैलन के पिता की गर्दन को बुरे तरीके से दबाता है, जिस वजह से इनके मुंह से एक इस तरह की लाइट निकलती है जो डैलन के मुंह के अंदर जाकर घुस जाती है। और अगले क्षण हम व्यूअर समेत डैलन को पता चलता है कि डैलन के पास बोलने की क्षमता आ गई है, तो दूसरी तरफ डैलन के पिता अब बोल नहीं पा रहे हैं। चूंकि डैलन के पास अब बोलने की क्षमता आ गई होती है और इसकी विश पूरी हो गई होती है, इसीलिए जिन वापस से उस किताब में जाकर छुप जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम अक्सर अपनी लाइफ में उस चीज की केयर कभी भी नहीं करते हैं जो हमारे पास मौजूद होता है, और जब वो चीज हमसे छिन जाती है तो हमें उसकी केयर होने लगती है। इसीलिए फ्रेंड्स, जो भी चीज अभी आपके पास मौजूद है उस चीज की केयर करना सीखो और कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। हमें ये फिल्म हॉरर होने के बाद भी कुछ नया सिखा के जाती है, जिसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। बात बाकी फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में अलमीरा को अलमारी बोला है, सो थोड़ा मैनेज कर लेना और स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करके मेरी दूसरी वीडियो भी देख लेना। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।